हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी के बारे में एंड पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में। तो ये टॉपिक है बीएड के अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में, ठीक है, जो फोर्थ यूनिट है ना उसमें नॉलेज के साथ पैडागोजी दे रखी है, तो उस सब्जेक्ट में हमें ये टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि व्हाट इज पैडागोजी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैडागोजिकल एनालिसिस, या डिफाइन पैडागोजी, राइट इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, या सिंपल ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज पैडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं हम क्या होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं पैडागोजी के बारे में। पैडागोजी क्या है, हिंदी में इसे कहते हैं शिक्षा शास्त्र। पैडागोजी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि पैडागोजी क्या है, आर्ट है और साइंस है टीचिंग की, ठीक है, एक कला है, एक विज्ञान है, पढ़ाने का तरीका है। क्लियर है। जो पैडागोजी वर्ड है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, पैडोस से। तो पैडोस का मतलब है चाइल्ड और एगोगोस का मतलब है लीडिंग। तो मतलब क्या हुआ इसका, इट्स मीन की लीड द चाइल्ड, कि आप बच्चों को कैसे लीड करोगे, कैसे समझाओगे अपनी बातें, या जो भी टीचिंग है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो सिंपली क्या है, ये है आर्ट या साइंस, किस तरह से हम कंटेंट को या अपनी टीचिंग को रिप्रेजेंट करेंगे लर्नर के सामने, ताकि लर्नर सबसे ज्यादा नॉलेज को गेन कर सके। ठीक है, पेडागोजी चेंज हो सकती है लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग। बच्चों की अलग अलग नीड होती है, हो सकता है वो साइकोलॉजिकल नीड हो सकता है उनका एनवायरमेंट अलग हो सकता है उनकी प्रीवियस नॉलेज कुछ और हो, और हो सकता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव कुछ और हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पैडागोजी चेंज करनी पड़ती है, हमें अपने पढ़ाने का तरीका, हमें अपने पढ़ाने की कला या विज्ञान को चेंज करना पड़ता है लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और डिफरेंट टीचर्स क्या हैं, अलग अलग तरह की टीचिंग मेथड्स या पैडागोजी यूज करते हैं, ताकि वो अपने कंटेंट की सबसे ज़्यादा अच्छी डिलीवरी कर सके, मतलब कंटेंट डिलीवरी बेहतर हो सके। जितनी अच्छी कंटेंट डिलीवरी होगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को या लर्नर को समझ में आएगा। गेटिंग योर पॉइंट। तो पैडागोजी क्या है, एक कला है, एक विज्ञान है, कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से, किस वे में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हो, किस तरह से आप बच्चों के सामने या लर्नर के सामने उसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ताकि जो नॉलेज गेन है वो सबसे ज्यादा हो सके। सिंपल। चलो, पैडागोजी क्या हो सकती है, बेसिकली ये दो तरह की हो सकती है, टीचर सेंटर्ड पैडागोजी या लर्नर सेंटर्ड पैडागोजी। टीचर सेंटर्ड में क्या है, इसमें टीचर क्या है, सेंट्रल रोल में है, और वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करता है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। क्लियर है, इसमें क्या है, कम्युनिकेशन वन वे है, मतलब टीचर ही ज्यादा बोलता है या टीचर ही ज्यादा बताता है। लर्नर सेंटर पैडागोजी क्या है, इसमें स्टूडेंट या लर्नर क्या है, सेंटर रोल में है, टीचिंग जो होती है वो होती है लर्नर्स के नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये है मॉडर्न मेथड ऑफ पैडागोजी। इसमें क्या है, दोनों पार्टीज इन द सेंस की लर्नर और टीचर कम्युनिकेट कर सकते हैं एक्टिवली, मतलब दोनों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, चलो, देन है पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, इसको कहते हैं शैक्षणिक विश्लेषण। तो पेडागोजिकल एनालिसिस को डिफाइन किया जा सकता है कैसे, कि इट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द करिकुलम और एनी टॉपिक और एनी कंटेंट टू रिप्रेजेंट इन ए ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे टू द लर्नर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हम कंटेंट को एक सिस्टमैटिक वे में और एक लॉजिकल वे में अरेंज कर देते हैं, ताकि वो रिप्रेजेंट करने में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए, बहुत ही ज्यादा समझने लायक हो जाए बच्चों के लिए या लर्नर्स के लिए। बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस में क्या होता है, हम पूरे कंटेंट को या कॉम्प्लेक्स कंटेंट को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, ताकि कोई भी चीज समझने में आसान हो जाए। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये है प्लानिंग किसी भी टॉपिक की, कि किस तरह से टीचर किसी टॉपिक को लर्नर के सामने रिप्रेजेंट करेगा, ताकि लर्नर में मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर हो सके। ठीक है, जब आप किसी भी मुश्किल चीज को बहुत अच्छे से, बहुत इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो, बेसिक टू कॉम्प्लेक्स बना देते हो, तब वो चीज समझने में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। जैसे जेरोम ब्रूनर ने भी कहा था कि हम कोई भी मुश्किल चीज
किसी भी बच्चे को समझा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, किसी भी मुश्किल चीज को बहुत अच्छे से अरेंज करना होगा फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। तो पैडागोजिकल एनालिसिस में क्या है, हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को ब्रेक कर देते हैं इंटू स्मॉलर यूनिट्स या पार्ट्स में, ठीक है, ताकि वो हो जाए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज, वेल अरेंज हो जाए, और वेल अरेंज हो जाएगा तो वो समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी कंटेंट या टॉपिक का किसी भी सब्जेक्ट में एनालिसिस कहलाता है पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, मतलब अलग अलग टॉपिक के जरिए भी आप लिख सकते हो इसको, कि पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश, पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ सोशल स्टडीज, पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने भी इस टॉपिक को सिंपलर वे में अरेंज कर दिया है, सिंपलर वे में ब्रेक कर दिया है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलो, तो पैडागोजिकल एनालिसिस बना है दो वर्ड से मिलके, जिसमें क्या है, पैडागोजी है और एनालिसिस है। तो पैडागोजी बेसिकली क्या है, आर्ट या साइंस है टीचिंग की, किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, किस वे में बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्चुअली क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है। एनालिसिस क्या है, एनालिसिस होता है विश्लेषण, किसी भी चीज़ को अरेंज करना, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, या किसी भी मुश्किल चीज़ को ब्रेक कर देना स्मॉलर यूनिट्स में या बेसिक या सिंपलर यूनिट्स में, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्या हो गया, कि हम टीचिंग के मेथड्स को यूज करेंगे और किसी भी टॉपिक को ब्रेक कर देंगे, ताकि वो बच्चों को समझाने में ईजी हो जाए या कंटेंट डिलीवरी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए। चलो, नीड क्या है पैडागोजिकल एनालिसिस की, नीड ये है कि किसी भी टॉपिक को हम इजी वे में समझा सकें। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी कंटेंट को बेसिक से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में समझाते हैं, ठीक है, पहले बेसिक चीजें देन कॉम्प्लेक्स चीजें। और ये किस लिए जरूरी, किसी भी करिकुलम को, कंटेंट के टॉपिक को अरेंज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इसके जरिए हम बहुत से टीचिंग एड्स बना सकते हैं या बहुत से टीचिंग एड्स यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएगा और इंटरेस्टिंग बनाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, हम इवेल्युएट करना भी सीखते हैं कि कंटेंट डिलीवरी के बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, ठीक है। चलो, देन है कंपोनेंट्स और फैक्टर्स ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस। तो ये चार तरह के हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एनालिसिस ऑफ कंटेंट होता है, देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, देन मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज होती है, किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से चीज़ें यूज करेंगे, उसमें फिर सभी चीज़ें आ गई, टीचिंग एड्स आ गया, मेथडोलॉजी आ गया, इक्विपमेंट आ गए, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, इवेल्युएशन मेथड्स होते हैं, क्लियर है। अगर आपको ये बनाना है तो आप बना सकते हो, नंबर वन ये, नंबर टू ये, नंबर थ्री ये, और नंबर फोर पे ये। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसका। चलो, तो कंपोनेंट और फैक्टर्स ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस, सबसे पहला क्या आता है, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या है, व्हाट टू टीच, हमें पढ़ाना क्या है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे ना। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो हम उसको ब्रेक कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक का या कंटेंट का इंटू स्मॉलर और बेसिक यूनिट्स और सब टॉपिक्स, ठीक है। सपोज कोई बहुत बड़ी चीज है और वो पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे, ताकि उनको ले जाने में या उनकी डिलीवरी में आसानी हो। तो यही होता है पैडागोजिकल एनालिसिस में, हम किसी भी बड़ी चीज को या बड़े टॉपिक को हम सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर जरूरी है, नेसेसिटी है, देन इसको भी हम फर्दर और छोटे सब टॉपिक्स में और छोटी सब यूनिट्स में इनको भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि चीजें समझने में आसान हो जाए, क्लियर है। चलो, देन है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वाई टू टीच और नीड टू टीच द टॉपिक, कि हमें जरूरत क्या है पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने का, हम बच्चों में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन को जब फॉलो किया जाता है तो हम बच्चों में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। और ये बदलाव क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं अफेक्टिव डोमेन को अफेक्ट करें, उनकी कॉग्निटिव डोमेन को अफेक्ट करें, या उनके साइकोमोटर डोमेन्स को अफेक्ट करें, क्लियर है। अफेक्टिव मतलब इमोशनल, कॉग्निटिव मतलब संज्ञान से रिलेटेड, साइकोमोटर मतलब उनके सेंसरी मोटर ऑर्गन भी उस चीज़ को सीख जाएं, क्लियर है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में ये सभी चीज़ें डिसाइड होंगी कि किस तरह से बच्चों में बिहेवियर में चेंज लाना है, या किस स्किल को या किस डोमेन को हमें टच करना है या किस डोमेन को हमें अफेक्ट करना है, ठीक है।
या सभी डोमेन को अफेक्ट करना है, देन उसी से रिलेटेड हम चीजें डिसाइड करेंगे, उसी से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य डिसाइड करेंगे। आई होप आप समझ रहे हो, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप दोबारा वीडियो देख लेना। तो इसीलिए कहा जाता है कि टीचर को नॉलेज होनी चाहिए साइकोलॉजिकल थ्योरी में, ठीक है, ताकि उनकी लर्निंग को अफेक्ट किया जा सके। उन्हें मोटिवेशन आना चाहिए, स्किनर की थ्योरी यूज करनी चाहिए, ट्रायल एंड एरर आना चाहिए, थॉर्नडाइक की थ्योरी यूज करनी चाहिए, बच्चों को कंडीशन करना बहुत जरूरी है, इवान पावलो की थ्योरी का पता होना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट, प्याजे की थ्योरी, ये सभी थ्योरी इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि हम इन थ्योरी को प्रैक्टिकल सेटिंग में अप्लाई कर सकें, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी के बेस पे हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमें बच्चों में बिहेवियर में चेंज लाना है या कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा देना है। चलो देन थर्ड नंबर पे क्या है, टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजी, हाउ टू टीच, कैसे हम टीच करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड में क्या है कि टीचर सबसे बेस्ट टेक्निक या स्ट्रेटजी यूज करता है अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, और इसके लिए टीचर्स को सब्जेक्ट मैटर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए या मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको मैक्सिमम नॉलेज होगी तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आप किस तरह से अपनी कंटेंट को डिलीवर करो, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके लिए टीचर्स क्या कर सकते हैं, बेस्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग एड्स यूज कर सकते हैं, इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है। ये सभी मेथड क्या हैं, टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी बना देंगे और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे, है ना। सपोज मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है तो मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो या इमेज दिखा दूंगा ताकि चीज़ें समझने में आसान हो जाए। ये सभी किस में आते हैं, ये आते हैं टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज में, ओके। चलो देन है फोर्थ नंबर पे, तो लास्ट में क्या होता है, इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन टेक्निक्स है। तो इवेल्युएशन हो सकता है ड्यूरिंग द कंटेंट डिलीवरी या हो सकता है कंटेंट डिलीवरी के बाद, ठीक है। और ये करते क्यों हैं, हम इवेल्युएशन इसलिए करते हैं कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। तो इवेल्युएशन में बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि ग्रेडिंग हो सकती है, क्वेश्चनियर हो सकता है, ओरल या रिटन एग्जाम्स हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, टेस्ट में MCQs क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है और ऑब्जर्वेशन करवाई जा सकती है, और इवेल्युएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। और ये सभी मेथड्स क्या हैं, कंटेंट के बेस पे डिसाइड होंगे, सब्जेक्ट मैटर की डिमांड के बेस पे डिसाइड होंगे और पार्टिकुलर टॉपिक के बेस पे डिसाइड होंगे, ठीक है। और किस पे डिसाइड होंगे कि बच्चों की या लर्नर की एज क्या है। सपोज छोटे बच्चे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ओरल टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े एग्जाम छोटे बच्चे नहीं लिख पाते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस की बात करें, साइंस में क्या है, बच्चों की आप थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाइड फील्ड में कैसे इवेल्युएट कर सकते हो, तो वो कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करवा के, है ना, एक्सपेरिमेंट्स करवा के कि बच्चों में थ्योरेटिकल नॉलेज है या नहीं है। तो ये सब पॉइंट तो आप खुद भी लिख सकते हो कि इवेल्युएशन की टेक्निक डिफरेंट होती हैं, कंटेंट मैटर पे, सब्जेक्ट मैटर पे, बच्चों की एज पे या पर्टिकुलर टॉपिक ही डिसाइड करता है कि किस तरह से हम इवेल्युएशन करेंगे। सपोज इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में हम लॉन्ग क्वेश्चंस लिखवाते हैं ताकि हम ग्रामर का पता लगा सकें, उनकी क्रिएटिव स्किल्स का पता लगा सकें, जैसे निबंध होते हैं, ऐसे होते हैं, उनमें सभी चीज़ें पता चल जाती है, क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डिलीवर दिस वीडियो। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ वो भी बताना, और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी वीडियोज के लिए आप चैनल पे बने रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।